सवाल है जो इन दिनों बहुत अहम बनता जा रहा है, वो सवाल ये है कि देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी के चर्चित चेहरा राहुल गांधी क्या वो सब डिजर्व करते हैं जो वो कांग्रेस में रहते हुए हासिल करना चाहते हैं। अब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आए दिन राजनीतिक पार्टी के विपक्ष के जितने भी नेता हैं इस बात पर चुटकी ले जाते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने भी इसी मुद्दे पर बात करते हुए बोला है कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है उन्हें सब पता है। दो बातें, जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है, एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। He needs somebody who can come and execute what he thinks is right. वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। There is no harm in just stepping, taking a back step and saying भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो या सही या गलत उसको छोड़ दो, अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो, अगर किसी वजह से 3 चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए, वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब, लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। खैर, आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या राहुल गांधी के वजह से ही अपने उस उछाल में नहीं आ पा रही है जो 2014 से पहले हासिल था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।